देवरिया जिले के शहीद संतोष यादव का पार्थिव शरीर सोमवार को उनके गांव पहुंचा। शव यात्रा में जन सैलाब उमड़ गया। सुबह 6 बजे रुद्रपुर में पार्थिव शरीर को लेकर पहुंची सेना की गाड़ी को देखते ही संतोष यादव अमर रहे का नारा गूंजने लगा। करीब 5 किलोमीटर लंबी शव यात्रा के दौरान लोग फूल बरसाकर अमर शहीद को नम आंखों से श्रद्धांजलि देते रहे। सड़क के दोनों तरफ रुद्रपुर के लाल का अंतिम दर्शन करने को महिलाओं की भीड़ लग गई। बता दें कि जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में रुद्रपुर का लाल शहीद हो गया था। शनिवार की सुबह सेना ने सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई घटना में सेना के हवलदार रुद्रपुर के तड़वा के बरई पार गाँव निवासी संतोष यादव को गोली लग गई थी। कुछ देर बाद वह शहीद हो गए थे। अमर शहीद संतोष यादव की पत्नी धर्मशीला शहीद के सपनों को पूरा करेंगी। उन्होंने कहा कि संतोष का सपना था कि उनकी दोनों बेटियां डॉक्टर बने। वह 8 साल की पलक 6 साल की जानवी को डॉक्टर बनाने के लिए शुरू से अच्छे संस्थान में दाखिला कराना चाहते थे।